सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, जब हम अपनी गलतियों और एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो चीज़ों को और अच्छे से समझ पाते हैं और एक्सप्लोर कर पाते हैं। गार्डनिंग भी उनमें से एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम थोड़ी सी पेशेंस, समझदारी और टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके करें तो हमारे गार्डन को, छोटा सा हो या बड़ा हो, बहुत अच्छा हरा भरा रख सकते हैं और फूलों से लदा हुआ रख सकते हैं। इसकी जगह थोड़ी सी गलतियाँ या लापरवाही हमारे पौधों को, चाहे वो कितने भी महंगे हों, वो ख़राब कर देती है। तो वैसे आज का वीडियो तो कुछ और ही था, लेकिन आप सबके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास गार्डनिंग के वीडियोस को लेकर के, और साथ ही साथ स्पेशली गुड़हल के पौधे को लेकर के कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं। तो सोचा आज आपके साथ में गुड़हल के ऊपर एक वीडियो शेयर कर ही देती हूँ। हालांकि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लगभग 500 से ज़्यादा वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं गार्डनिंग रिलेटेड, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको ईच एंड एवरी प्लांट के ऊपर अच्छे से डिटेल में वीडियो मिल जाएंगे। और आज मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ गुड़हल का, जिसमें आपको 15 दिन देने पड़ेंगे और 10 काम करने पड़ेंगे अगर आपके गुड़हल के प्लांट में फूल कम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं या बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं, कलियां बन करके टूट जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। आज के वीडियो में आपको इसका सभी का समाधान मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो कहीं पर भी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास दो गुड़हल के पौधे हैं, एक ऑरेंज कलर का गुड़हल और एक पिंक कलर का। ऑरेंज वाले में भी कुछ काम कर रही थी और पिंक वाले में कुछ काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से ऑरेंज वाले में तो फ्लावरिंग हो रही थी और पिंक वाले में फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। अभी 2-3 दिन पहले से मैंने उसकी देखभाल शुरू की और उसके अंदर भी कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहले आपको मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो ये सारे टिप्स आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि अपने प्लांट को आप समझिए। प्लांट को समझने का मतलब है कि आपका प्लांट हेल्दी है कि नहीं है, उसकी टहनियाँ सूखी हैं कि नहीं हैं, पत्ते कितने हरे हैं या उसके ऊपर कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें, धूप कितनी दे रहे हैं, पानी कैसे देते हैं, फर्टिलाइज़र कितने कितने टाइम पर देते हैं, ये सभी चीज़ें आपको अपने प्लांट के लिए देखने के लिए पहले देखें और अपने प्लांट की जो हैबिट्स हैं उसको समझें। तो दूसरा काम है पीली पत्तियों को हटाना, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। अब आप कहेंगे कि पीली पत्तियों को ना हटाएं तो क्या होगा? पीली पत्तियां जब हो जाती हैं तो उनको पौधे से अलग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पौधे की एनर्जी भी सोक करती रहती हैं और इसमें जो बीमारियाँ हैं वो लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसीलिए डेली बेसिस पर आपको अपने किसी भी पौधे की पीली पत्तियों को निकालते रहना चाहिए, और जितनी भी पीली पत्तियां हैं उसको निकाल करके, अगर दूसरा काम है पानी को आप ज़रूर चेक करें, आपकी पानी देने की कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रहनी चाहिए। जैसे कि आप अगर 2 टाइम पानी देते हैं तो एक अमाउंट फिक्स करना चाहिए कि कितना पानी हमें देना है। अगर आप 1 टाइम पर पानी देते हैं मॉर्निंग के टाइम पर, क्योंकि आजकल गर्मियां ज़्यादा हैं तो मॉर्निंग के टाइम पर जब हम पानी देते हैं तो पौधे में अच्छे से पानी देते हैं और उसके बाद में ऊपर से शावरिंग भी कर देते हैं, जैसे कि पौधों की पत्तियां जो हैं उनको भी नमी मिल सके और हमारे जो पौधे की जो मिट्टी है वो भी मॉइस्ट रहे। तीसरा काम हमें करना है धूप का। तो हालांकि गुड़हल का पौधा जो होता है उसको फ्लावर बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए ही रहती है, तो आप अपनी जो भी पौधा है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से रखें या इस जगह पर रखनी चाहिए, जो भी फ्लावरिंग प्लांट है, खाली गुड़हल नहीं, तो उनको ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि कम से कम, अगर बैल्कनी में कम से कम धूप भी आती है तो 2 से 3 घंटे की धूप तो मिलनी ही चाहिए। अगर 4 से 5 घंटे की धूप मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा धूप मिलेगी तो आपके पौधे जल सकते हैं, क्योंकि हर पौधे को अलग अलग तरह की धूप, पानी और कंडीशन चाहिए होती हैं। इसके बाद में अगले नंबर पर मैं बात करूंगी मिट्टी की। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा प्लांट तो सही होता है लेकिन उसकी मिट्टी ठीक नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। जब हम नर्सरी से लेकर के आते हैं तब तो वो ठीक होता है, लेकिन उसके बाद में
कुछ टाइम के बाद में वो ख़राब होने लगता है, क्योंकि हम जो करते हैं रिपोर्टिंग करते हैं तो मिट्टी अच्छी नहीं बनाते, जिसकी वजह से पौधा ख़राब हो जाता है। कई बार नर्सरी वाले ही लाल मिट्टी में लगा करके देते हैं, जिसमें पौधा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। तो मिट्टी हमेशा पौधे के लिए अलग से बनानी चाहिए, जब भी आप नर्सरी से लेकर के आते हैं अच्छी फर्टाइल मिट्टी, फर्टिलाइज वाली मिट्टी आपको बनानी चाहिए अपने पौधे के लिए, फिर उसमें पौधा लगाएंगे तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगी प्रूनिंग की। प्रूनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पौधे की। प्रूनिंग का मतलब होता है पौधे की जो सूखी टहनियाँ हैं, सूखी पीली पत्तियाँ हैं, या जिन ब्रांचेस पर कीड़ा लगा है, पत्तियों के अंदर दाग हैं, काले या सफ़ेद रंग के धब्बे हैं, उन पत्तियों को कट करके अलग कर देना। उससे क्या होता है, जहाँ पर हम कट करते हैं वहाँ से नई ब्रांचेस निकलती हैं और नई ब्रांचेस पर ज़्यादा कलियाँ निकलती हैं। इसके बाद में मैं बात करूँगी अपने पौधे में पेस्टिसाइड की। पेस्टिसाइड देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर जब कलियाँ निकलनी शुरू होती हैं तो उसमें चींटियाँ भी देखी होंगी आपने बहुत बार गुड़हल में, और ये इस तरह के वाइट वाले जो मिलीबग होते हैं वो भी देखे होंगे, क्योंकि जब कलियाँ बनती हैं ना तो मिलीबग और चींटियाँ अक्सर हो जाते हैं पौधे में। अगर हमने इनको नहीं हटाया तो ये बहुत जल्दी पौधों को ख़राब कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका पौधा मर जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लगभग एक लीटर पानी में लगभग आधा चम्मच खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा लेकर के किसी भी अच्छी स्प्रे बॉटल में डालिए, और उसमें अच्छे से तेज़ धार से सभी पत्तियों पर, कलियों पर आपको अच्छे से शावर करना है तेज़ धार से, जिससे कि ये जो मिलीबग है इसकी आउटर लिड जो होती है, कवरिंग जो होती है, वो हट जाती है और आपका पौधा भी ठीक हो जाता है। ये मिलीबग नहीं रहते तो आपके पौधे में ज़्यादा कलियाँ प्रोड्यूस होती हैं, अदरवाइज़ ये सारी कलियों का को कमज़ोर कर देते हैं और आपकी जो कलियाँ हैं पौधे की वो टूट करके पीली होकर के गिरने लगती हैं, और कलियाँ खिलने से पहले ही वो टूट जाती हैं। तो पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा रोल है अपने पौधे में। ये घरेलू पेस्टिसाइड है, बस ज़्यादा मात्रा ना इस्तेमाल करें इसको। एक दिन छोड़ करके एक दिन अगर आप स्प्रे करेंगे तो पौधे को बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा, गुड़हल के पौधों के लिए स्पेशली, और आपका पौधे में से मिलीबग वगैरह भी निकल जाएंगे। इसके बाद बात करती हूँ फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र गर्मियों में लिक्विड ही दें और घरेलू फर्टिलाइज़र ही दें, वो ऑर्गेनिक होते हैं, कभी भी नुकसान नहीं देते। इसके लिए आप जैसे दाल चावल का पानी है, दाल चावल कौन सा वाला, जब हम दाल चावल धोते हैं तो उसके बाद में वो जो पानी होता है उसको हम फेंक देते हैं, उस पानी को फेंकना नहीं है, वो पानी हमें पौधों में यूज़ करना है, बहुत ही अच्छा पानी होता है। इसके अलावा बनाना पील फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है, उसको इस्तेमाल करना है पौधों के लिए। खाने वाले सोडा, फिटकरी का पानी, ये सभी बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र हैं, आप गुड़हल के पौधे में रेगुलर बेसिस पर 15 दिन के गैप के बाद में दे सकते हैं। दोस्तों नवे नंबर पर मैं बात करूंगी गुड़ाई की। तो पौधों में डिगिंग या फिर गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, बहुत ही छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारे पौधों की जड़ों को एयरेशन मिलता है, यानी कि हवा मिलती है, और जब पौधों की जड़ें अच्छे से फलती फूलती हैं तभी हमारे पौधों में बहुत अच्छे से फ्लावर भी प्रोड्यूस होते हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है हमें, कि हमें समय समय पर यानी कि 15-15 दिन के गैप के बाद में अपने पौधों में गुड़ाई करनी है। अच्छा, गुड़ाई किस तरीके से करनी है, अगर आप बिगनर हैं तो मैं बता दूं, आपने कोई भी खुरपी लेनी है, उसके साइड की मिट्टी जो होती है पौधों के गमले के किनारे किनारे की मिट्टी, जड़ के पास की नहीं, किनारे किनारे की मिट्टी हटा करके जड़ के आसपास भी आपको थोड़ा सा गुड़ाई करनी है, खुदाई करनी है, और इसको इस तरीके से करना है हल्के हाथ से, जिससे कि आपकी जड़ें जो होती हैं वो डैमेज ना हो, इससे आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अच्छा, लास्ट 10वें नंबर पर मैं बात करूंगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ होता है, ना उसके अंदर पीली पत्तियाँ हैं ना हरी, मतलब बिल्कुल हरी पत्तियाँ हैं, पौधा भी हेल्दी है, लेकिन फिर भी उसमें फूल नहीं आ रहे हैं। तो आपने अगर ये सभी 9 काम जो मैंने आपको शुरुआत में बताए वो करके देखे और उसके बाद में भी आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पौधे में रूट रॉटिंग हो गई हो। क्योंकि रूट रॉटिंग क्या होता है, जब हमारा काफ़ी पुराना पौधा होता है
यानी कि 5-6 साल पुराना पौधा होता है, जैसे कि मेरा पिंक वाला गुड़हल का पौधा है। अगर अभी ये सभी काम आपने करके देखे हैं और फिर भी इसमें नई ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है आपको, या नई कलियां नहीं नज़र आ रही हैं, तो आप इसकी गमले की मिट्टी भी चेंज कर सकते हैं और इसकी जो जड़ें होती है ना, थोड़ी सी आप उसको कट कर सकते हैं नीचे। अगर आप गमले को चेंज करके देखेंगे, कई बारी बहुत छोटा गमला हो जाता है, पौधा पुराना होने के बाद में उसकी जड़ें ज़्यादा फैल जाती हैं, जिसकी वजह से गमला छोटा पड़ता है, तो उसको बड़े गमले में हमें शिफ्ट करना पड़ता है। तो आपको जब शिफ्ट करेंगे तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपने रीपॉटिंग सही ढंग से की हो। रीपॉटिंग सही ढंग से करेंगे तभी आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा, अदरवाइज़ कई बार पौधा शॉक में भी चला जाता है, जिसकी वजह से पौधा बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना दोस्तों। अगर इन सभी 10 बातों का ख्याल रखेंगे तो 200% आपके पौधे में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपके पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर कुछ भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।